हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो है पार्ट टू है हमारे जो नया गेम है सनशाइन फार्म का। और ये जो है इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझाना चाहती हूँ, जिसके बेस पे जो है आप बहुत जल्दी जो है इम्प्रूव करेंगे इस गेम के अंदर। यदि आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो है बहुत जल्दी जो है इसमें कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने वो सब चीज़ें बताई हैं जो चीज़ें जो है मैंने कुछ आईडीज पे अपनी गलतियां करी, और वो चीजें आप ना दोहराएं और आप जो है बहुत जल्दी स्मूथली इसमें प्रोग्रेस करें, यही मैं चाहती हूं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से जो है हमारा लेवल चेक कर सकते हैं। लेवल चेक कर सकते हैं मतलब फार्म का लेवल क्या है, वो हम किस तरीके से पता लगाएंगे, और उससे मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमको कितनी और ज़्यादा सनशाइन चाहिएगी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो है ऊपर हमारी प्रोफाइल पिक के साथ में जो है लेवल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि आपका लेवल कितना है। आपको उसको क्लिक करना है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, और आप यहाँ देख कर पता कर सकते हैं कि देखिए लिखा है 1152 सनशाइन और चाहिएगी मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने ये सोचकर जो है यहाँ तीनों को जो है क्रॉप को लगा दिया है, मैच्योर होने के लिए चालू कर दिया है, शुरू कर दिया है, है ना। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारे तीन स्टैमिनास जो है इसमें लग गए हैं, है ना। अब इन स्टैमिनास को जो है बहुत वाइजली यूज करना जरूरी है, ठीक है। अब इसलिए मैं जो है आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, वो चीज आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको जो है मेरी तरीके से जो है अभी मुझे फ्रेम पाने की बहुत जल्दी थी, और सबसे ज्यादा जल्दी थी वीडियो बनाने की, है ना, क्योंकि वीडियो बनाऊंगी फ्रेम आपको दिखाऊंगी तभी तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये कारण था इसलिए जल्दी करने की, अदरवाइज मैं इसमें क्या करती वो चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी ताकि आप लोग उस चीज को समझें, ठीक है। अभी देखिए ये जो है इससे ये जो लिली ऑफ द वैली जो मैंने लगा रखी है क्रॉप, इससे मुझे मिल रहा है 420 सनशाइन, ठीक है। अब उसमें जो है अभी फिलहाल जो है पहले दिन हमको 25% का बोनस मिलता है, दूसरे दिन चेक इन करेंगे तो 50, और तीसरे दिन 75, और चौथे दिन 100% हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। अब 100% हो जाएगा चौथे दिन, और उसके बाद जो है आपको रेगुलरली करते रहना है तो आपका 100% जो है बना रहेगा, क्योंकि वही मैक्सिमम है। अब अभी आप देख लीजिए कि लिली ऑफ द वैली जब मैंने क्रॉप लगाई है और इसका जब हार्वेस्ट करूंगी इसको, तो 25% बोनस सहित 420 में यदि 25% बोनस ऐड कर दूं तो वो हो जाता है 125, टोटल हो जाएगा 525, ठीक है। तो ये जो है हर क्रॉप मुझे कितना देगी, पर हेड जो है 525 का जो है सनशाइन देगी, गॉट इट। अब यदि यही चीज मैं आज से चौथे दिन करती, मतलब जब मेरे पास 100% बोनस होता, तो जो 420 का मैंने लगाया है अभी और मुझे 525 का सनशाइन देगा, और वो उस टाइम यदि मैं लगाती चौथे दिन पे 100% बोनस पे यदि मैं लगाती, तो 420 का मुझे 420 ही मिलता, दैट मीन्स 840 मिलता, गॉट इट। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा अंतर मिल रहा है पर हेड के हिसाब से बोनस के कारण। तो आप थोड़ा सा यदि वाइजली यूज करना चाहते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो आप ये चीज भी अपना सकते हैं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट आईडी जिस पे मैंने छोड़ रखा है उस पे मैं जरूर अपनाऊंगी। तो ये चीज जो है आप लोग भी कर सकते हैं और उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, है ना। थोड़ा पेशेंस रखकर आप जो काम कीजिए तो आप कर सकते हैं, है ना। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आपको नॉलेज दिया है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा सनशाइन मिलेगा। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप जल्दी करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, जो स्टैमिनास जो होते हैं ना, वो हमको जो है सिर्फ स्टार मेकर ही देता है, ना तो हम इसको कुछ परचेस वगैरह कर सकते हैं, ना कोई और इसके लिए हमारे पास साधन है जिससे हम इसको ला पाएं। तो स्टैमिना जब आपको स्टार मेकर दे रहा है और हर एक घंटे में एक दे रहा है, तो आपको इसको वाइजली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आप ज़रा इस एग्जाम्पल से समझिए, मैं ये चीज़ से समझाती हूँ आपको। अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेवल है हमारा वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, है ना। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं लेवल 4 पे हूँ और मुझे लेवल 5 पे जाने के लिए कितना चाहिए, 3361 चाहिए, है ना। अब अभी मेरे पास स्टैमिना कितने हैं, मैंने आपको दिखाया कि अभी मेरे पास जो स्टैमिना है वो है 3, ठीक है। तो अब ये जो 3 स्टैमिनास हैं मेरे पास, मतलब 3 बार यूज कर सकती हूं मैं, और मुझे 3361 जो है चाहिए कम से कम अगले लेवल पे जाने के लिए। तो आप खुद सोचो कि मेरे पास, मैं आपको ये दिखाती हूं कि अभी जो है मेरा जो लास्ट ओपन है वो 900 सनशाइन दे रहा है ना, और उसमें 25% बोनस मैं ऐड कर दूं तो लगभग 1100 समथिंग, है ना। तो वो जो मुझे मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यदि हिसाब लगाऊं तो मुझे कम से कम 3 चाहिएंगे ये,
है ना, ये जो डिजिटलीज है वो मुझे कम से कम 3 चाहिएंगे मुझे अगले लेवल पे जाने के लिए, है ना। अब मान लीजिए ये जो होता 3361 ना होके मान लीजिए मुझे सिर्फ 2000 समथिंग कुछ चाहिए होता, तो मैं क्या करती वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तब मैं ये करती कि मैं सिर्फ भले ही मेरे पास 3 स्टैमिना है तो भी मैं इसके सिर्फ 2 डिजिटलीज को जो है वो स्टार्ट कर देती, है ना, और उसको हार्वेस्टिंग मतलब मैच्योर होने के लिए क्रॉप को लगा देती। वो इसलिए क्योंकि वो जो 2 मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद में जो है मैं लेवल 5 पे चले जाऊंगी, लेवल 5 पे जाने के बाद तब तक मेरा स्टैमिना भी जो है 1-2 और बढ़ जाएगा, है ना। तो लेवल 5 पे जाने के बाद मेरी नेक्स्ट जो क्रॉप है वो ओपन हो जाएगी, है ना, ये जो अनलॉक दिख रही है ये ओपन हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, दैट मीन्स इससे मुझे ज़्यादा सनशाइन मिलने वाला है। आपको ये वाला केस भी बताना चाहूँगी, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इसमें जो है मेरा जो लेवल 5 होने में सिर्फ आप देख रहे हैं कि 88 जो है बचा है कंप्लीट होने के लिए, है ना। तो अब मैं चाहती तो जब मैंने यहाँ किया तो आप देख रहे हो कि मैंने ये वाला किया हुआ है ना, ये कौन सा है, ये जो है 100 कॉइंस वाला, ये जो 10 मिनट वाला 120 मिलने वाला है ना। तो चाहती तो मैं जो हाईएस्ट है मेरा ये भी कर सकती थी मैं, है ना, बट इसमें मैंने ये दिमाग लगाया कि मेरे पास जो है मुझे सिर्फ 88 की कमी है 5th लेवल पे, मतलब उसको अनलॉक करने के लिए, ठीक है। अब यदि मैं इसको बड़े वाले को लगाती हूँ तो 2 घंटे मेरे यूँ ही वेस्ट जाएंगे, है ना, थोड़े से वो मिल जाएंगे ज़्यादा बट 2 घंटे वेस्ट जाएंगे और मेरा लेवल 5 जो है अभी अनलॉक हो भी नहीं पाएगा, 2 घंटे उसके अंदर लग जाएंगे, गॉट इट। तो मैंने ये 10 मिनट वाला लगाया क्योंकि इसमें मुझे 120 जो है मिल जाएंगे और उसके साथ में 25% बोनस भी मिल जाएगा और उसके साथ में मैं लेवल 5 पे आ जाऊंगी, है ना। तो फिर मेरे पास ये जब 2-3 हो जाएंगे स्टैमिना तो फिर मैं जो है इकट्ठा जो है एक साथ लेवल 5 वाला लगा दूंगी ताकि जो है मुझे और ज्यादा फायदा होगा। तो होप आप मेरी बात समझ गए होगे, राइट। तो जो ज्यादा सनशाइन मिलने वाला है और एक ही स्टैमिना में मिलने वाला है तो आपको ये सोच समझ कर करना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टैमिनाज दिखे तो उसको यूज कर डाला। और ये गलतियां हैं ये मैंने अपनी दूसरी आईडीज में की, जब स्टार्टिंग मैंने करा कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी जिसके कारण मेरी मेन आईडी भी जो है पीछे रह गई, है ना। तो वो जो चीजें आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ कि इस चीज को वाइजली यूज कीजिएगा कि जब आपको जरूरत हो तब उसकी करिएगा, लेवल नेक्स्ट पे जाने के बाद आप उसको ज्यादा यूज करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए तो आपको क्या होगा ज्यादा से ज्यादा सनशाइन मिलेगी। और वैसे ही चीज आपको बोनस के साथ भी करना रहेगी, है ना, कि अभी आप जैसे आज के दिन कर रहे हैं तो 25% बोनस, नेक्स्ट डे आपको 50% बोनस मिलेगा, तो मतलब यही जो चीजें आप करेंगे उसका जो है आपको डबल मिलने लगेगा, है ना, मतलब उसका 25% और बढ़ जाएगा। तो वो सब चीजें मायने रखती हैं, तो ये सब चीजें जो है आप आपके माइंड में जरूर रखिएगा। तो अभी तो फिलहाल मुझे ये तीनों की जरूरत है इसलिए मैं तीनों में लगा देती हूँ, ओके। तो ये 600 जो है हमारे सिल्वर कॉइंस जाएंगे और जो है तीनों जगह लगा देती हूँ ताकि मेरा जो है लेवल 5 तक मैं पहुँच जाऊँ, ओके। तो ये लगा देते हैं और इसका अब 2 घंटे टाइम लगेगा, है ना, टाइम बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप क्रॉप के लेवल पे बढ़ते जाएंगे आपका टाइम भी जो है बढ़ता जाएगा, आपके जो सिल्वर कॉइंस हैं कंज्यूम हो रहे हैं वो भी जो है बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप काम कर पाएंगे, गॉट इट। अब एक बहुत 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 ज़रूरी बात कि स्टार मेकर ने क्या चालाकी करी है वो चीज़ मैं जो है आपको बताना चाहती हूँ। स्टार मेकर ने जो है हमको ये स्टीलिंग सनशाइन का ऑप्शन दिया है वो क्यों दिया है और क्या सोचकर समझकर दिया है, तो वो चीज़ों पर यदि आप गौर फरमाएंगे तो आप समझेंगे कि ये उसी तरीके से है जैसे अंग्रेज़ों ने हम पर शासन करने के लिए किया था, फूट डालो शासन करो, है ना। तो ये भी उसी तरीके से है, वो कैसे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने आपकी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट हो चुकी है, ठीक है, मैं आपको किसी का दिखाती हूँ, ओके। तो वेट, अब जैसे मैं किसी केस में जा रही हूँ, ओके, मैं मेरी आईडी पर ही जाती हूँ, है ना। तो अभी मेरी आईडी में तो कुछ है नहीं, जैसे मैं ये जासिम जी केस पे जाती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इनकी हार्वेस्टेड है, ठीक है। अब हार्वेस्टेड है तो मान लीजिए स्टार मेकर क्या होता है, अभी यहाँ हार्वेस्टेड आपको दिखा रही हूँ और उसके साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको जो है जैसे मान लीजिए मेरी क्रॉप हार्वेस्टेड है, मैंने किसी के में से चुराई है या कोई मेरे इसमें से चुरा रहा है, कोई मेरे इसमें से चुरा रहा है तो मुझे सिस्टम मैसेज में भी एक मैसेज आता है कि आपकी क्रॉप को किसने चुराया। और साथ में ये जो बेल दिख रही है आपको, ये जो बेल दिख रही है यहाँ आपको रेड डॉट दिखाई देगा, ठीक है, अभी कहीं दिखाई देगा दूसरी आईडी में तो मैं आपको दिखा दूंगी, तो ये यहाँ आपको रेड डॉट दिखाई देगा, आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई इसने आपके यहाँ चोरी करी है ना। और साथ में आपको चेक वाला ऑप्शन भी देता है कि जाके आप इसको देख लो, है ना। अब इसके फॉर्म में तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जब आप चेक करोगे आपके उसमें तो उनके उसमें भी क्रॉप आपको दिखाई दे जाएगी जब तक कि वो मेरा वीडियो ना देख ले या फिर उनको गेम पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए, ठीक है। अब उनके उसमें भी क्रॉप दिखाई देगी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जासिम जी के इसमें क्रॉप दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इनकी क्रॉप दिखाई दे गई, यदि मान लीजिए इन्होंने मेरा चुराया था
और इनकी क्रॉप जो है मुझे दिखाई दे गई। तो मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं ये करने वाली हूँ कि भाई इन्होंने कैसे ली मेरी, तो मैं भी जाके इनका क्या करूँगी, चुराऊंगी। ठीक है, अब चुराने में होगा क्या, चुराने में ये होगा कि सार मेकर ने बोला है कि जब आप चुराते हैं किसी की क्रॉप को, अब इनकी दो क्रॉप है जो हो चुकी है और ये देखिए अभी तीसरी भी होने को तैयार है, 58 सेकंड 57 सेकंड दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यदि मैं इनकी क्रॉप चुराने पे आ गई, ठीक है, तो मैं इनका कितना चुरा पाऊंगी, मैं इनका 10% चुरा पाऊंगी। एक क्रॉप को चुराया 10%, एक स्टैमिना गया, दूसरे को चुराया दूसरा स्टैमिना गया, तीसरे को चुराया तीसरा स्टैमिना गया, मिला कितना मुझे, मुझे मिलेगा 10%, है ना। तो इसका 10% जितना भी हो, जैसे 135 मान ले हम, तो मुझे सिर्फ लगभग 400 के करीब कुछ मिल रहा है, गॉट इट। और ये जो चीज है उसमें मेरे 3 स्टैमिना चले गए। अब यही स्टैमिना यदि मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि यही यदि मैं जो है अपने इसमें लगा लिए, मैंने ये 3 स्टैमिना जो मैं उनका चुराने में लगाती वो मैंने अपना क्रॉप लगाने में लगा लिया, लगे 3 ही स्टैमिना। ठीक है, अब उससे मुझे फायदा कितना हो रहा है आप खुद सोचो, कि जब मुझे ये मिल रहा है तो वहां मुझे लगभग बस 400 के करीब ही मिल रहा था 3 स्टैमिना में, और यहाँ जो है मुझे सनशाइन मेरा जो क्रॉप हार्वेस्ट होने पर कितना मिलेगा, 3400 के करीब मिलेगा, गॉट इट। तो आप देख रहे हो कि स्टार मेकर ने कितनी चालाकी करी है। तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक बात सबसे पहले आप लोगों से बोलूंगी कि एज अ माय व्यूअर, तो आप लोग थोड़ा दिमाग से खेलना, जो मैं बोल रही हूँ उन चीजों पर ध्यान देना, और सबसे ज्यादा जरूरी बात इसमें यह है कि ये वीडियो आप अपने सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी भेजिए। उसका क्यों फायदा होगा आपको वो बताती हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्या होता है, ये जो कप वाले इसमें है, ये हमारे सारे म्यूचुअल फॉलोअर्स ही दिख रहे हैं जो कि ये गेम खेल रहे हैं, है ना। कम से कम जो गेम खेल रहे हैं उनको भेजो, और जो गेम शुरुआत करने वाले हैं उनको भेजो। वो इसलिए क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोग होंगे जो आपकी क्रॉप को आके चुराएंगे, है ना। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो दिखते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट ये सबसे बड़ा लेवल होगा। तो आप यदि अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेज देते हैं तो वो भी समझदार हो जाएंगे कि भाई ये जो चुराने वाला काम है वो ना करें। ठीक है, यदि आप चुराने वाले काम में लग गए तो आपकी स्टैमिना स्टार मेकर यूं ही वेस्ट करवा रहा है ना, और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा। तो ये वाला फैक्टर है, तो आप इस चीज पर बिल्कुल ध्यान दें कि आपको भाई चुराने के अंदर नहीं लगे रहना है, आप अपनी क्रॉप पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और क्रॉप हार्वेस्टिंग में कोई आपकी ना चुरा पाए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइम को प्रॉपरली नोट डाउन करना है, है ना। प्रॉपरली आप नोट डाउन, या मेरी जैसे 5 से 6 आईडीज हैं, है ना, तो मैं उसको नोट डाउन करके चल रही हूं। आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, एक आईडी का हो गया दूसरी आईडी के लिए सेट कर लीजिए कि इतने बजे, तो आपको याद रहेगा और तुरंत आप जाके अपने उसको हार्वेस्ट कर लीजिए। ठीक है, और यदि बाय चांस रह गया तो कोई भी आपका जो है स्टॉल कर सकता है ना, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा दिमाग से खेलेंगे और टाइमली आप काम करते रहेंगे तो आपका कुछ भी लॉस नहीं होने वाला, और स्टार मेकर का ये जो फंडा है स्टीलिंग वाला, ये बिल्कुल फेल हो जाएगा, गॉट इट। ये इसलिए जरूरी है कि आपकी अवेयरनेस जो है आप बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मेरी आप बात पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि चुराने में मत लगे रहना भाइयों बहनों, आप सिर्फ जो है अपने ग्रोथ पर ध्यान दो। ठीक है, कोई आपकी चुरा भी रहा है तो थोड़ा सा फॉरगिव करना सीखो और उसे फॉरगिव कर दो, ताकि जो है आप भी ग्रोथ कर सको और उसको भी जो है ग्रोथ करने दो, है ना। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाओ ताकि हर व्यक्ति में अवेयरनेस आ पाए कि स्टार मेकर को यदि चूना लगाना है आपको तो डेफिनेटली जो है मेरे तरीके से काम करो और दूसरों के चुराने में मत। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है गिफ्ट्स की। तो जो है इस आईडी में तो मेरे गिफ्ट जो है मतलब सनशाइन जो है उतने नहीं है जितने में फ्रेम आ जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने दूसरी आईडी पर जो है फ्रेम ले ली है और वो डायरेक्ट जो है लग गई है प्रोफाइल पर, आप देख सकते हैं, है ना। वो बैगेज वगैरह में नहीं आएगी, वो डायरेक्ट जो है आपकी प्रोफाइल पर लग जाएगी, और ये 30 डेज की फ्रेम है। ठीक है, 6000 जो है सनशाइन देकर जो है ये फ्रेम मिली है, गॉट इट। अब कैसे आपको लेना है वो मैं इस आईडी से बता देती हूँ। एक गिफ्ट इससे मैं ले चुकी हूँ, वो आपको दोनों बैगेज में दिखा देती हूँ। तो अभी इसमें ज़्यादा तो है नहीं, तो एक और ये वाला गिफ्ट ले लेती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ, अदरवाइज ये जो है काम का तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो है देखिए मैंने ले लिया, अब मैं आपको बैगेज में चल के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं, ये 6 डेज के लिए हैं और 3-3 स्टार के हैं, और इन्होंने यही लिखा है रूल्स में कि आप इसको जो है किसी भी लाइव में या पार्टी रूम में भी दे सकते हैं, तो इसके स्टार्स जो है उन लोगों को मिलेंगे, गॉट इट। क्योंकि ये जो है गोल्ड कॉइन्स के गिफ्ट हैं, इसलिए बोला गया है शायद कि पार्टी रूम में देने पर आई थिंक ये गोल्ड कॉइन गिफ्टिंग में इसको काउंट किया जा सकेगा, मेरे ख्याल से जो है स्टार मेकर यही कहना चाहता है। तो आप लोग एक बार इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कि ये गोल्ड कॉइन गिफ्टिंग में जो लोग टास्क करते हैं पूरा, क्योंकि मैं तो टास्क करती नहीं हूँ, जो लोग टास्क करते हैं। तो अब आपको ये भी बता देती हूँ कि 5000 की टास्क हो गई है डेली में, और सैटरडे संडे जस्ट डबल हो गई है, और उसमें से 2000 जो है फ्री वाली जो है डेली टास्क कर सकते हैं आप, और जो है 3000 की जो है आप गोल्ड कॉइन गिफ्टिंग वाली टास्क कर सकते हैं। इस तरीके के से पार्टी रूम का लेवल जो है आप बहुत फास्ट बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आई थिंक ये गोल्ड कॉइन गिफ्टिंग में काउंट किया जा सकेगा इसको, तो ये जरूर आप लोग चेक करके बताएं। जो लोग अपने पार्टी रूम का टास्क करते हैं वो लोग ही ये बता पाएंगे, मैं तो फिलहाल जो है
अपनी आईडी को इसको दे देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी आईडी को एक सेंड कर दिया। तो हो फ्रेंड्स, आपको जितना भी मैंने पार्ट टू में मैंने समझाया है आपको सब बातें समझ में आई होंगी, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो उसको करते जाइए और मेरी चीज़ों को बार बार थोड़ा सा सुन लीजिए मैंने जो जो बोला है, तभी आप समझ पाएंगे जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर करिए, कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं फिर से बोलूँगी कि यदि आप डायरेक्ट पार्ट टू पर आए हैं तो पहले पार्ट वन देखिए ध्यान से, क्योंकि वो दोनों चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड हैं। और पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो गलतियाँ वो सभी ना दोहराएं और कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसे आपका लॉस हो। इसलिए अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।